Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. वेल वी आर वेरी हैप्पी, हमें यू नो रिस्पॉन्स जितना अच्छा हमारे गाने पे आया है, वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। और हम दोनों इतने सालों बाद यू नो काम कर रहे हैं, तो ये तो बनता ही था, क्योंकि हम लोग पे भी यू नो बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें कुछ अच्छा अपने फैंस को दें, कोई अच्छा प्रोजेक्ट ला के अपने फैंस को दें विथ कॉन्सेप्ट स्टोरी, ताकि उन्हें बहुत अच्छा लगे। एंड समहाउ समवेयर वी हैव अचीव्ड इट। सो आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को हमारा म्यूज़िक वीडियो बहुत पसंद आया, लोगों को गाना बहुत पसंद आया, हमारी जो बॉन्डिंग है उन्हें फिर से देखने को मिली, हमारी केमिस्ट्री। एंड यस, आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। सेम हियर एज वेल। आई थिंक यू नो इन द पास्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं साथ में, एंड दैट शुड बीन सो ग्रेट। सो अभी भी फैंस को इतना एक्सपेक्टेशन था दैट इफ दे आर कमिंग बैक आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, दे शुड कम बैक विद समथिंग विच इज़ really special. So I think वो तो अचीव हो ही चुका है, होने लगा तुमसे प्यार से। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द ब्यूटिफुल लवली फैंस दैट वी हैव Sydneyans as we call them फॉर लविंग दिस सॉन्ग। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज लुंगी में बहुत कम्फर्टेबिलिटी होती है, नो डाउट, एकदम मस्त हवा का आना जाना बहुत अच्छा रहता है। लुंगी बहुत ही कंफर्टेबल यू नो चीज़ है, पहनने वाली बहुत ही कंफर्टेबल चीज़ है, आई थिंक लोगों को पहनना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लुक, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि जहाँ पे यू नो मेरे लुक के साथ भी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, मेरा बियर्ड मेरे हेयर्स और कॉस्ट्यूम एवरीथिंग। तो एक एक चीज़ पर ध्यान रखते हुए इस कैरेक्टर को हमने यू नो अच्छा बनाया, अच्छा दिखाया, एकदम साउथ इंडियन लुक दिया, साउथ इंडियन सुपरस्टार, उसका जो स्वैग है, उसका जो स्टाइल है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस म्यूज़िक वीडियो में ये कि एक यूनिकनेस है इसमें, यूनिकनेस है, कुछ डिफरेंट है। तो बहुत मज़ा आया मुझे करने में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को भी मिली मुझे। नहीं देखिए, खुद पे कंट्रोल होना चाहिए तो लुंगी नहीं उतरेगी। मतलब लुंगी खुद पे कंट्रोल है यार, लुंगी या हाँ मतलब प्रॉपर वो लुंगी को हमने बनाया था। अगर एकदम ज़्यादा ही आपको मतलब हाँ अच्छे से बांध के रखोगे, उसको पिन करके रखोगे, तो डेफिनेटली नहीं खुलेगी। डेफिनेटली लोग जब मुझे फाइट करते हुए देखते हैं तो उनको लगता है कि मैं बहुत ही प्रोफेशनली फाइट करता हूँ, लाइक MMA यू नो प्रॉपर किकिंग विकिंग। बट एक जो नॉर्मल बंदा फाइट करता है रियल लाइफ में, वो प्रॉपर स्टांस के साथ या प्रॉपर किकिंग नहीं करता, उसका अलग ही होता है, वो भिड़ जाता है लड़ने। रियल लाइफ में आप ऐसे नहीं होते, आप डायरेक्ट कूद जाते हैं के ऊपर। तो ये सारी चीज़ों को भी हमने ध्यान में रखते हुए ये फ़ाइट जो छोटी सी हमने कोरियोग्राफ करी थी उसे रखा। एंड जो इंस्पिरेशन थी मेरी वो डेफिनेटली साउथ की जितने भी हमारे यू नो फेवरेट और बहुत बड़े सुपर डुपर स्टार हैं, अल्लू अर्जुन सर, उनसे थोड़ा बहुत मैंने इंस्पिरेशन ली, बिकॉज उनकी जो स्टाइल है, उनका जो स्वैग है, वो बहुत ही यूनिक है और बहुत अच्छा लगता है। और मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बट ही इज़ अ वेरी बिग सेलिब्रिटी। रजनीकांत सर नहीं, डेफिनेटली उनका नाम तो डेफिनेटली याद है। एक बहुत अच्छी मूवी है, तो उस कैरेक्टर से ही थोड़ा बहुत लोगों ने मुझे कंपेयर किया, मेरे फैंस ने। तो समहाउ मैंने कहीं ना कहीं मोर ऑफ मैंने अल्लू अर्जुन सर को थोड़ा देखा, उनकी जो स्टाइल है साउथ, क्योंकि लुंगी पहन के ऊपर इतना कलरफुल, उसके ऊपर जैकेट, फिर चश्मा, तो देखा जाए तो नॉर्मल नहीं था वो, बहुत ही डिफिकल्ट था वैसे अटायर को यू नो कैरी करना। सो आई वॉज बिट नर्वस कि अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बट बहुत अच्छा लगा। आई थिंक येस, जैसे इस म्यूजिक वीडियो में दिखाया कि शी वाज़ सो डिप्रेस्ड पहले बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज डेफिनेटली वो किडनैप हुई है, उसकी मर्जी से तो नहीं था कुछ भी, एंड शी वाज़ वेरी सैड। बट वंस शी मीट्स दिस गाय इन हर लाइफ जो उसको इतना खुश करता है, उसके लिए हर चीज़ करता है, उसके लिए सिंगर तक को उठा लिया इतने फेमस, तो ऑब्वियसली वो खुश तो होगी। सो आई थिंक ऐसा लड़का होना चाहिए लाइफ में जो एक लड़की के लिए कितना कुछ करे, कि वो इतना खुश कर दे उस लड़की। आई थिंक इस म्यूज़िक वीडियो में एक लड़का जो लड़की लिए करता है वो सारी चीज़ें ही हर लड़का करने की कोशिश करता है, अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर उसकी जो फ्रेंड होती है उसे खुश करने की कोशिश करता है। आई थिंक ये करते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए, इम्प्रेस करते रहना चाहिए। आई थिंक ये जस्ट प्यार है लोगों का, कि यू नो दे ऑलवेज वॉन्ट टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन माई लाइफ, एंड जो भी मैं करना चाहती हूँ, जो भी मैं करती हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट होते
it all their love and you know all their appreciation. So I think ये बहुत important है to keep an artist going in their life. So अगर ये नहीं हो तो I think it's very disappointing. But I think they keep motivating me at every aspect of my life. So I think fans के लिए बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि thank you. कि आप हमेशा ही इतना सारा प्यार देते रहते हैं कुछ भी करूँ मैं चाहे वो Instagram हो या कोई भी चीज़ हो. सो उसके लिए अप्रिसिएशन के लिए फैंस को हम दिल से थैंक्स कहना चाहेंगे हम दोनों डेफिनेटली. बिकॉज जो रिस्पॉन्स हमें मिला है यू नो फ्रॉम द डे वन जब से गाने की हमने यू नो डेट बताई है हमने जब से पोस्टर लॉन्च किया आपने डे वन से हमें वो जो कॉन्स्टेंट प्यार दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी इतना सारा प्यार देने के लिए. और आई रिमेंबर व्हेन वी अनाउंस्ड दिस द पोस्टर पे इतना सारा बापरे इतने कमेंट्स इतने और लाइक्स एकदम से पीपल वर शावरिंग ऑल देयर लव लाइक सिंस द बिगिनिंग. सो अभी तक कितना प्यार करने के लिए थैंक यू. और अगर आप नहीं देखा गाना तो प्लीज़ जाके देखिए जल्दी जाइए देखिए.